हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम ग्रेड 8 अकॉर्डिंग हिंदी जो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 14 पे पैसेज दिया गया है क्वेश्चन थर्ड करके, जिसकी कॉपी मैंने यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी दी है कि निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये जो पैराग्राफ है आप अच्छे से इसे पढ़ोगे, समझोगे और इसके अंदर जो 1 to 6 क्वेश्चन आंसर दिया है वो आप अपनी कॉपी में अच्छे से राइटिंग में लिखोगे। एंड देन पेज नंबर 15 इन योर टेक्स्ट बुक क्वेश्चन 2, पेंसिल में लिखित शब्दों के समानार्थी और विलोम शब्द लिखिए, जिसके आंसर लिख के ही मैंने आप लोगों को दिया है, जो आप अच्छे से अपनी कॉपी में समानार्थी शब्द एंड विरोधी शब्द सुंदर अक्षरों से लिखेंगे। देन इसमें दिया गया है कि मुहावरों का अर्थ देखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, जो आपको अपने आप इसका अर्थ ढूंढना है और उसका वाक्य बनाने की कोशिश करना है। एंड देन क्वेश्चन 4 जो है, रूपरेखा के आधार पर कहानी पूर्ण कीजिए, जिसके हेल्पलाइन यहाँ पे मैंने आपको दी है, जो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन 4 करके दिया गया है कि एक नगर में दो स्त्रियाँ एक ही बालक के लिए दावेदार, आपस में तकरार, मामला न्यायाधीश के समक्ष, दोनों की बातें सुनना, न्याय करना, बालक के दो टुकड़े करके बांट लो, एक स्त्री मौन, दूसरी का रोक कर कहना, बच्चे को न काटो उसे ही दे दो, न्यायाधीश का फैसला, रोती हुई स्त्री को बालक सौंपना। ये जो स्टोरी है वो आपको अच्छे से राइटिंग में ग्रामर पार्ट में आप लोगों को लिख लेना है। एंड देन क्वेश्चन 5 जो है, निम्नलिखित कहानी को अपने शब्दों में पूर्ण करना है। मौसम में ठंडक बढ़ने लगी थी, माँ सोचने लगी कि इस साल ढेर सारे स्वेटर बनाकर बेचने हैं, जिससे अंकित की 10वीं कक्षा की फीस और पढ़ाई का खर्चा निकाला जा सके। अंकित के पापा नहीं थे, एक बड़ी बहन थी। अंकित अपने घर में समृद्धि लाने के लिए प्रतिदिन सोचता रहता था। अगर आप अंकित के जगह पे होते तो आप क्या करते? आपको सोच के, अपनी सोच और अपने शब्दों के अनुसार इस स्टोरी को आप अपने हिसाब से पूर्ण करोगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।